ड्राइंग के लिए हमने पहले आउटलाइन बना लिया है। इसमें मैं सब तरह के टिप्स दूंगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे अब नाक से ही हम शुरू कर चुके हैं, तो नाक के लिए हम क्या करते हैं, हर एक लाइन डिटेलिंग में करेंगे। पहले हम छोटे छोटे डॉट्स दे रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं जगह को, ताकि अंदर का डिटेलिंग ध्यान से नज़र में आए। अब बहुत से लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि सिर्फ कलर पेंसिल को लेके, ब्लैक और एश कलर को लेके यहाँ पे मिक्स कर देते हैं, वो अवॉइड करना। अब मज़ल पे हम काम कर रहे हैं। मज़ल के जबड़ों के बीच में आप देख सकते हो थोड़ा सा वाइट बाल है, तो हमने भी उसको जगह को छोड़ दिया है। हमने हर एक बाल का ध्यान से किया है। अब कलर मारे, अब मज़ल के आउटलाइन में हम डायरेक्ट ऐसे लाइन नहीं खींचेंगे, हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बाल देके उसके साथ ही मज़ल बनाएंगे, ताकि बालों का उभार ध्यान से देख सकेंगे। मज़ल के ऊपर के बाल मैकेनिकल पेंसिल से बनाऊंगा मैं, और हो चुका है ये काम। तो अब हम नीचे की तरफ भी जाएंगे। रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वुड कलर, एश कलर और ब्लैक, इन तीनों को ही इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे ब्लेंडिंग पे नहीं बल्कि कलर मिक्सिंग में ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा ब्लेंडिंग ठीक भी ना हो तो भी वो बालों के साथ मिक्स हो जाएगा, और यही एक एडवांटेज है यहाँ पे। हमारे रॉटवाइलर का मज़ल लगभग तैयार हो ही चुका है। ये लीजिए रेफरेंस फोटो को देखिए, तो नाक के ऊपर के बाल बहुत ही पतले हैं, छोटे हैं और यहाँ पे शाइन है। तो मैं यहाँ पे पेंसिल का इस्तेमाल किया हूँ और उसके ऊपर मैं डॉट पेन, ताकि धीरे धीरे वो और भी गाढ़ा हो रहा है, वो इफ़ेक्ट ध्यान आए। अब डॉट पेन के ऊपर मैंने थोड़ा सा एस कलर इस्तेमाल किया है, और उसके ऊपर के हिस्से पे मैंने अभी मार्कर से कर रहा हूँ, ताकि मोटे बाल और घने बाल ध्यान से दिखा जा सके। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आउटलाइन बनाते वक्त हर एक बाल का अलग से बनाइए, एक लाइन मत खींचिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। अब अंदर की तरह मैं बिल्कुल ब्लैक कलर से कवर कर दिया हूँ, क्योंकि वो हिस्सा डार्क है। आँखों के लिए ध्यान रखिएगा कि कहीं पे पतला कहीं पे गाढ़ा ऐसा ना हो। मैंने यहाँ पे मार्कर इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो स्केच पेन या फिर जेल पेन भी इस्तेमाल कर सकते हो। आईबॉल्स के लिए मैंने पीच कलर के ऊपर थोड़ा सा डार्क कलर इस्तेमाल किया था, उससे आँखों का ओरिजिनल कलर नहीं आया था। बाद में मुझे फिर से इरेजर का इस्तेमाल करके ठीक करना पड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी। अब रियलिस्टिक इफेक्ट के लिए मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपका रेफरेंस फ़ोटो मोबाइल पे है, तो फिर जूम करके उसका अंदर कैसा है, मतलब सरफेस कैसा है, उसके हाइलाइट्स कहाँ पे है, उसके मार्किंग, ये सब चीज़ें ध्यान से आप देखिएगा। इससे क्या होता है, प्रैक्टिकल इफेक्ट जब आप देते हो ना, उससे और भी निखर के आता है कलरिंग। अब यहाँ पे एक जगह गाढ़ा है, एक जगह पतला है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें देना पड़ेगा कलरिंग भी। एक मतलब कलर लिया और फिर उसी को सरफेस के ऊपर घिस दिया, ये गलती आप मत करना। अब आते हैं कानों पे। कानों के लिए ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, बस जैसा कानों के कहीं पे डार्क है वहाँ पे थोड़ा सा आप प्रेशर देके कलर अप्लाई कीजिए। और हाँ, अंदर फर का जो डिज़ाइन है ना, वो दिखना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डॉट पेन और मार्कर पेन दोनों के इस्तेमाल से, तो फर का हमारा अंदर का काम लगभग लगभग हो ही चुका है। तो अब हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस एश कलर और ब्लैक कलर दोनों को एज इट नीडेड वहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और देख सकते हैं कलर बहुत अच्छे से मिल चुका है। अगर आपके पास एश कलर नहीं है, सिर्फ ब्लैक कलर है, तो वहाँ ब्लैक कलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर मत अप्लाई कीजिए, हल्के से बस घिस दीजिए, बहुत ही हल्के से, तो फिर वो कलर आ ही जाएगा अपने आप एश की तरह। अब ये वाला कलर जो है, इसको लाने के लिए मैंने पहले येलो, उसके ऊपर थोड़ा सा बस पीच कलर, और उसके ऊपर ऑरेंज कलर इस्तेमाल किया है, तो वो कलर अपने आप ही आ गया है। ये सच में सोचने में मुझे समय लगा था, आप लोगों को बता दिया, शायद हेल्प हो जाएगा। छाती के बाल थोड़े से लंबे हैं, उनको आप स्ट्रोक बाय स्ट्रोक करते जाइए। आउटसाइड के बालों को ध्यान दीजिएगा,
मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना आप रफ दिखाओगे इन जगहों पे उतना अच्छा कलर भी निखर के आएगा और भी अच्छा लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं साइड मैंने बिल्कुल डीप कर दिया है ताकि आउटलाइन भी हो और बालों का उभर भी ध्यान में आए। अब और कुछ खास बोलने के लिए है नहीं, ड्राइंग देखिए, एंजॉय कीजिए, खुद भी प्रैक्टिस कीजिए तो और भी अच्छा। एक एक पार्ट को अगर आप अलग से भी चाहे तो प्रैक्टिस कीजिए, दूसरे कोई ड्राइंग पे भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इन टिप्स से आपका हेल्प ज़रूर होगा।